नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगाकोन एंटी टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, प्रेगाकोन एंटी टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और प्रेगाकोन एंटी टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और यह भी डिस्कस करेंगे कि प्रेगाकोन एंटी टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। प्रेगाकोन एंटी एक ब्रांड नेम है। प्रेगाकोन एंटी टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। प्रेगाकोन एंटी टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन प्रेगाबेलिन 75 mg और नॉरट्रिप्टिलिन 10 mg होता है। प्रेगाकोन एंटी टैबलेट का उपयोग न्यूरोपैथिक दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। न्यूरोपैथिक दर्द का मतलब होता है नसों का दर्द। न्यूरोपैथिक दर्द होने पर बहुत तेज दर्द होना, जलन होना, सुइयां चुभने जैसी संवेदना होना, हाथों व पैरों का सुन्न पड़ जाना, मांसपेशियों में कमजोरी होना और बिजली के करंट की तरह झटके के साथ दर्द होना आदि लक्षण न्यूरोपैथिक दर्द होने पर हो सकते हैं। डायबिटीज होने पर, शराब का अधिक सेवन करने पर, शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर, शरीर में कमजोरी होने पर, शरीर में खून की कमी होने पर और रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई समस्या होने पर न्यूरोपैथिक दर्द होने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसके अलावा फाइब्रोमायल्जिया होने पर भी प्रेगाकोन एंटी टैबलेट का उपयोग किया जाता है। फाइब्रोमायल्जिया होने पर पूरे शरीर में दर्द होने लग जाता है और शरीर में थकान रहने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा प्रेगाकोन एंटी टैबलेट मिर्गी और दौरों को भी कंट्रोल करने में मदद करती है। जिन व्यक्तियों को मिर्गी या दौरे आते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी डॉक्टर अन्य दवाओं के साथ प्रेगाकोन एंटी टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा कमर में दर्द होने पर, रीढ़ की हड्डी में कोई चोट लगने पर और डायबिटिक न्यूरोपैथी होने पर भी डॉक्टर प्रेगाकोन एंटी टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में प्रेगाकोन एंटी टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में प्रेगाकोन एंटी टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे वजन का बढ़ना, नींद अधिक आना, सिरदर्द होना, सिर चकराना, कब्ज होना, मुंह में सूखापन होना, ध्यान लगाने में परेशानी होना, शरीर में प्लेटलेट काउंट कम होना, घबराहट होना, ब्लड प्रेशर कम होना, हाथों व पैरों में सूजन होना, आँखों से धुंधला दिखाई देना, पसीना अधिक आना और शरीर में थकान होना आदि साइड इफेक्ट्स प्रेगाकोन एंटी टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगाकोन एंटी टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। प्रेगाकोन एंटी टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर प्रेगाकोन एंटी टैबलेट को दिन में एक ही बार और शाम को सोते समय लेने की सलाह देते हैं। प्रेगाकोन एंटी टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको प्रेगाकोन एंटी टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगाकोन एंटी टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। प्रेगाकोन एंटी टैबलेट के साथ अंगूर, अंगूर का जूस या खट्टे फलों के जूस का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेगाकोन एंटी टैबलेट के साथ खट्टे फलों का सेवन करने की वजह से अनवांटेड साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। प्रेगाकोन एंटी टैबलेट की वजह से त्वचा धूप के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाती है, जिसकी वजह से सनबर्न होने का जोखिम अधिक हो जाता है, इसलिए आपको तेज धूप में बाहर जाने से बचना चाहिए। अगर आपको किसी कारणवश धूप में जाना भी पड़ता है तो आपको सूरज की धूप में जाने से पहले अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लोशन को लगाना चाहिए, या आप धूप से बचाव करने के लिए अम्ब्रेला यानी छत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रेगाकोन एंटी टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग और ऐसी मशीनों पर काम नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रेगाकोन एंटी टैबलेट को लेने के बाद नींद अधिक आ सकती है। प्रेगाकोन एंटी टैबलेट के साथ शराब का
सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेगाकोन एंटी टैबलेट के साथ शराब का सेवन करने की वजह से नींद आने की समस्या ज्यादा गंभीर हो सकती है और सीरियस साइड इफेक्ट्स होने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। लिवर या किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर प्रेगाकोन एंटी टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशन में डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेगाकोन एंटी टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए प्रेगाकोन एंटी टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित व रिकमेंडेड नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका प्रेगाकोन एंटी टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।